हम कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। संविधान ये बताता है कि भारत के संविधान की नजर में मस्जिद जाने वाला, मंदिर जाने वाला, गुरुद्वारे और चर्च जाने वाला कोई फर्क नहीं है, संविधान की नजर में सब बराबर है। और फिर संविधान कहता है इक्वल राइट टू ऑल, सबको बराबर का हक है, यही बात हमारा कुरान भी कहता है। और फिर सारे संविधानों को समेट करके हमारे भारत का संविधान 1950 में बनाया गया। मगर इन तमाम संविधानों से पहले मदीने में एक संविधान बना था, इट वॉज दी फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन गिवन बाय होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी सबसे बड़ी नाकामी यह है कि हम मैग्ना कार्टा को तो जानते हैं, यूनिवर्सल फंडामेंटल राइट को तो जानते हैं, लेकिन जिस मोहम्मद ने इन तमाम बुनियादी अधिकारों की बुनियादें रखी हैं, इन तमाम फंडामेंटल राइट्स को दुनिया में पहुंचाया है, हम उसको नहीं जानते। मोहम्मद सबके हैं, मोहम्मद का संविधान सबका है, उनका कुरान सबका है, इसलिए तुम पढ़ो, तुम बढ़ो, उसको सेटिंग करने की कोशिश करो। ये बड़ी सच्ची बात है, लेकिन जब बर्बादी की बात होती है तो इस डायलॉग को नहीं बोला जाता, ये बड़ी नाइंसाफी की बात है। देखिए, आपको ये तय करना है कि आपके घर के अगर बच्चे हैं, आपके घर के अगर जवान हैं, आपके घर के अगर बूढ़े हैं, वो अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आप ये तय करिए कि उनके ख्वाबों को पूरा करने के लिए अगर आपको अपने बजट में से भी कुछ देना हो तो आप अपने बच्चों के सही ख्वाबों को पूरा करने के लिए हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, बात को आप याद रखिए। इसलिए माँ बहनों, तुम बड़ा इंकलाब बर्पा कर सकती हो। दुनिया में जितने भी कामयाब मर्द आए हैं आज तक, जितने भी कामयाब मर्द आए हैं, वो सब माओ की खोज से जन्म लिया, माओ से ही उन्होंने सीखा। अगर मैं अपनी बात करूं तो कसम खुदा की, अगर मैं आपसे इतना बोल पाता हूं तो ये मेरी माँ के सबकों का वसीला है, ये मेरी माँ की मेहनतों का तसद्दुक है, ये मेरी माँ के उन रातों में सबसे जो किए हैं उसका कमाल है कि मैं यहाँ खड़े होकर के आपसे बात कर पाता हूँ। इसलिए दुनिया में बड़ी बड़ी महिलाएं हुई हैं, और आज हजरत अली चौथे खलीफा इस्लाम के, उनकी विलादत का दिन है। मैं कोट करता हूँ उनका एक जुमला, उन्होंने एक गवर्नर बनाया हजरत मालिक अश्तर को, यमन का गवर्नर बनाया, और उन्होंने कहा कि मालिक जब तुम गवर्नर बन जाओगे तो इस बात को याद रखना, तुम्हारे दरबार में आने वाले दो ही तरह के लोग होंगे, या तो तुम्हारे इस्लामी भाई होंगे या इंसानी भाई होंगे, तुम्हारा कोई भी फैसला ना तो इस्लाम से हट के होना चाहिए ना इंसानियत से गिर के होना चाहिए, तुम्हारा कोई भी फैसला ना इस्लाम से अलग होना चाहिए ना इंसानियत से हट के होना चाहिए। इसलिए जब ऐसा निज़ाम कायम हुआ और अच्छे लोगों ने जब निज़ाम किया कायम किया तो दुनिया से हर तरह के करप्शन का खात्मा हो गया। आज हजरत अली की विलादत का दिन है, और मैं इसलिए उनका तस्किरा कर रहा हूँ कि दुनिया में जब जब जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी, देखिए हमारे जहनों को ऐसा डाइवर्ट किया गया है कि हम चंद्रशेखर आजाद का नाम ले, उनका बर्थडे मनाए तो कोई दिक्कत नहीं, हम बाबा साहब की जयंती मनाए तो कोई दिक्कत नहीं, गांधी जी की जयंती हम 2 अक्टूबर को मनाते कोई सवाल पैदा नहीं होता, लेकिन मुसलमानों की यह मानसिकता बना दी गई कि जब आप अली का नाम लेंगे, अबू बकर का नाम लेंगे, तभी दिमाग में यह ख्याल पैदा हो जाएगा कि ये विलादत और ये बर्थडे तो फला किस्से के लोग मानते हैं, ये सबसे बड़ी हार है हमारे लिए। अरे दुनिया में अली को तब तक याद किया जाएगा जब तक शुजात की बात होगी, दुनिया में जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ, करप्शन और भ्रष्टाचार के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ जब जब आवाजें उठेंगी तो दुनिया के सारे आंदोलनकारी अली के बच्चों हसन और हुसैन की करबला को याद रखेंगे, अली की बेटी सैनब को याद रखेंगे, फातिमा की बेटी सैनब को याद रखेंगे। इसलिए हमारी खराबी ये है कि हमारा माजी इतना रोशन है, हमने करबला से जा करके ये बताया, महात्मा गांधी ने यह बात कही थी कि करबला में हुसैन के जो 72 साथी थे, वैसे 72 सिपह सवार, वैसी 72 की आर्मी अगर हमारे भारत में मौजूद होती तो हमें इस देश को आज़ाद कराने के लिए 100 साल की ज़रूरत नहीं थी, हम चंद घंटों में अंग्रेज़ों से इस भारत को आज़ाद करा लेते। इसलिए आज उन अली की विरासत का दिन है, पढ़िए करबला को, हमें करबला से बहुत दूर कर दिया गया, और आज सेकुलरिज्म का धक्का ऐसा ठोक दिया गया है कि अगर हम इस्लाम की बात करते हैं, दीन की बात करते हैं, तो हमें डर लगने लगता है कहीं बात इधर उधर ना हो जाए। मैं आपको इत्मीनान दिला दूँ, हम जिस इस्लाम को मानते हैं वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, माफ़ कीजिए, हम जिस कुरान को मानते हैं वो कुरान हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, हम जिस अल्लाह को मानते हैं वो अल्लाह सिर्फ हमारी प्रॉपर्टी नहीं है,
कुदरत का सूरज कभी भी धर्म देखकर किसी के घर में रोशनी नहीं पहुंचाता। कुदरत का चांद उसकी किरणें हर मजहब हर धर्म के लोगों में पहुंचती है। कुदरत की जो भी चीजें हैं, जमीन हो, आसमान हो, चांद हो, सूरज हो, पहाड़ हो, दरिया हो, गंगा हो, जमुना हो, जो भी हो, जो भी कुदरत की चीज होती है वो सबके लिए होती है। इसलिए अल्लाह भी सबका है और रब्बुल आलमीन है। उसकी तरफ से जो नबी आए वो भी एक किसी कम्युनिटी, किसी समुदाय और किसी खास ग्रुप के लिए नहीं, वो भी सबके लिए वो रहमतुल लिल आलमीन। तो जो संविधान खुदा ने उतारा वो भी किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं है। आप मुसलमान हो या ना हो यह अलग बात है, लेकिन अगर आपको अच्छा इंसान बनना है तो दुनिया में कोई किताब ऐसी नहीं है जो पूरे तरीके से ये बता सके कि आप एक अच्छे इंसान कैसे बन सकते हैं। कुरान तो वाहिद किताब है जो ये पैरामीटर तय करती है कि आपको अच्छा इंसान कैसा बनना है। अगर आपको एक अच्छा शहर बनना है, अगर आपको एक अच्छा पति बनना है, अगर आपको अच्छी पत्नी बनना है, अगर आपको एक अच्छा बाप बनना है, अगर आपको एक अच्छा बेटा बनना है, अगर आपको एक अच्छा देश का नागरिक बनना है, अगर आपको एक पॉलिटिशियन बनना है, अगर आपको एक कामयाब ताजिर बनना है, अगर आपको कोई इंकलाब पैदा करना है तो कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। अल्लाह का भेजा हुआ कुरान पढ़िए, आप शांतिपूर्वक तरीके से पूरी दुनिया में इंकलाब पैदा कर सकते हैं। इस बात को समझने की जरूरत है। और हम संविधान की बात कहाँ लगातार पहले दिन से कर रहे हैं। आपको पता दुनिया में सबसे पहला संविधान कहाँ बना था? जो एकेडमिशन से वो जानते होंगे इस बात को। दुनिया का पहला संविधान 17वीं सदी में बना था मैग्ना कार्टा के नाम से, 17वीं सदी में। और फिर उसके बाद में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारे संविधान बनना शुरू हुए। बर्तानिया में भी बना, उसके अलावा लंदन में बना, उसके अलावा अमेरिका में बना। और फिर सारे संविधानों को समेट करके हमारे भारत का संविधान 1950 में बनाया गया। मगर इन तमाम संविधानों से पहले मदीने में एक संविधान बना था। इट वॉज दी फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन गिवन बाय होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी सबसे बड़ी नाकामी यह है कि हम मैग्ना कार्टा को तो जानते हैं, यूनिवर्सल के फंडामेंटल राइट को तो जानते हैं, लेकिन जिस मोहम्मद ने इन तमाम बुनियादी अधिकारों की बुनियादें रखी हैं, इन तमाम फंडामेंटल राइट्स को दुनिया में पहुंचाया है, हम उसको नहीं जानते। मोहम्मद सबके हैं, मोहम्मद का संविधान सबका है, उनका कुरान सबका है। इसलिए तुम पढ़ो, तुम बढ़ो, उसको सटीक करने की कोशिश करो। और तुम जब रिसर्च करना शुरू करोगे और हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के दिमागों में जो नफरतें डाली गई हैं, अगर तुम कुरान को समझ करके उन तमाम गैर मुस्लिम भाइयों के जहनों में जो कॉन्सेप्ट गलत हो गए हैं, अगर उनको निकालने की कोशिश करोगे तो यकीन जानिए कि अगर तुम्हारी नियत सही है तो उनके दिमाग भी साफ हो जाएंगे और दिल भी साफ हो जाएंगे। और फिर हम सब मिलकर इन तानाशाहों से लड़ने के लिए और मजबूत हो जाए। उसी कुरान ने यह बताया, हम कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। संविधान ये बताता है कि भारत के संविधान की नजर में मस्जिद जाने वाला, मंदिर जाने वाला, गुरुद्वारे और चर्च जाने वाला कोई फर्क नहीं है, संविधान की नजर में सब बराबर है। और फिर संविधान कहता है इक्वल राइट टू ऑल, सबको बराबर का हक है। यही बात हमारा कुरान भी कहता है, या अय्युह अन्नास कहकर के खिताब किया, ए लोगो। ए लोगो का मतलब यह है कि कुरान ये कहता है कि जब हम ए लोगो कह रहे हैं तो उसका मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं है, दुनिया के तमाम इंसान। और कुरान ने यह पैगाम दिया कि जब तुम दुनिया के तमाम इंसान हो तो अगर जमीन में बीज कोई हिंदू डालेगा तो उसकी भी फसल तैयार होगी, कोई मुसलमान डालेगा तो उसकी भी फसल तैयार होगी। इसलिए हमको यह तय करना है, सब मिलकर के ये तय करना है कि हम कुरानिक और संविधानिक इंसान बनेंगे। और कसम खुदा की जब हमने इन दोनों से रोशनी लेना शुरू कर दी और हम कुरानिक इंसान बन गए, संविधानिक इंसान बन गए, उसी दिन हमारे देश में इंकलाब भी पैदा हो जाएगा, हम तमाम तरह की गुलामी से आजाद हो जाएंगे। इसलिए मैं तमाम लोगों से अपील करूंगा, सरकार कहीं ना कहीं घुटने टेकने पर मजबूर हो रही है, आंदोलन को इसी तरह से जारी आने रखना है, आवाजें इसी तरह से हमें बुलंद करते रहना है। हमारे संविधानिक अधिकारों के साथ साथ संविधानिक जिम्मेदारियां भी हैं, हम अधिकारों के साथ साथ जिम्मेदारियां भी पूरी करें, एक अच्छा हिंदुस्तानी बने, एक अच्छा नागरिक बने, तो इंशाल्लाह इंकलाब जरूर आएगा। कोई शिकवा में शिकायत मैं दिला करता हूँ, सब सलामत रहोगे, रब से दुआ। आपने वीडियो देखा, आपका क्या कीमती राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरे लोगों तक पहुँचे तो आप
हमारी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। और एक अहम बात, अगर हमारी चैनल के नाम से कोई आपसे पैसे का डिमांड करे या किसी चीज़ों की डिमांड करे तो हमें ये सूचना नीचे डिस्क्रिप्शन में जो मेल आईडी है उसमें ज़रूर भेजिएगा। हमारे चैनल किसी भी खबर के लिए पैसे का डिमांड नहीं करते। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।